एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम प्रेजेंट्स बोर्ड रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 से जैव प्रक्रम चैप्टर से मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम्स में हरियाणा बोर्ड में 3 मार्क्स का काफी बार पूछा गया है और सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। 3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए ध्यान से देखना कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों ही गैसेस हमारे श्वसन से संबंधित है, सांस लेने की क्रिया, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर रिलीज होना। तो इस प्रक्रिया में दोनों गैसों का परिवहन कैसे होगा, हम उसे आज डिस्कस करेंगे कि परिवहन किस तरह से होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं ऑक्सीजन का परिवहन आपको बता रही हूँ कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस तरह से होता है। बच्चों, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसा कि आप सभी को पता है कि वायुमंडल से जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारी कोशिकाओं में उपस्थित जो भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में उसे विखंडित करने में हमारी सहायता करके ऊर्जा प्रदान करती है। तो उसका वहन यानी कि हमारे फेफड़ों से कहाँ तक जाना, रक्त तक जाना, वहां से कोशिकाओं तक जाना, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होगी उसका वापस हमारे फेफड़ों तक आना और फिर बाहर वायुमंडल में उसका निष्कासित हो जाना। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑक्सीजन का परिवहन। बच्चों, जीवों में जो आकार में छोटे होंगे उनके अंदर सिर्फ एक प्रक्रिया जो है वो काफी होती है परिवहन के लिए, जिसे हम कहते हैं विसरण, जो ज्यादा सांद्रता से कम की ओर मूव कर जाते हैं जिसमें कण। लेकिन यहाँ पर जब जीवों का आकार जो है वो विशाल होता है तो वहां पर अकेले विसरण से काम नहीं चलता। तो वहां पर क्या उपस्थित होता है, हमारे रक्त में एक विशेष वर्णक उपस्थित है जिसे हम कहेंगे श्वसन वर्णक, या आप ये भी कह सकते हैं कि लाल रंग का वर्णक जो हमारे रक्त में उपस्थित होता है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है ना। तो इस वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव रक्त में श्वसन वर्णक जो उपस्थित है उसका नाम बताइए। तो आप लिखोगे हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से बंध बनाकर या बोन्ड बनाकर आसानी से जो है वो कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक और कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ हीमोग्लोबिन का सिंबल मैं यहाँ लिख सकती हूँ HB, जो रिप्रेजेंट करेगा हीमोग्लोबिन को। ऑक्सीजन गैस को अपने साथ कंबाइन करा के हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। जब हीमोग्लोबिन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसी रूप में ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, इसी रूप में ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हमारे शरीर में जो ऊतक है या कोशिकाएं हैं वहां तक जाएगी। ठीक है, तो 97% ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और इसी रूप में ऊतकों तक पहुंचेगी। कौन, ऑक्सीजन। इसी रूप में ऑक्सीजन पहुंचेगी ऊतकों के पास और वहां पर जो उपस्थित होगा ग्लूकोज भोजन के रूप में उसे ऑक्सीजन विखंडित करके क्या देगी, हमें ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले मानव रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में सबसे पहला जो परिवहन किस तरह से होगा, श्वसन वर्णक के द्वारा होगा जिसे हमने हीमोग्लोबिन बोला। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही जो है वो सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत, लगभग 97% जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है ऊतकों के पास। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो तो इसमें ही हो गया।
और उसके अलावा दूसरा पार्ट इसमें आता है तो बच्चों दूसरा जो है वो 3% जो ऑक्सीजन है वो हमारे रुधिर में स्थित जो लिक्विड पार्ट है तरल पदार्थ है जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे, रक्त का जो तरल भाग है उसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होगा या स्थानांतरण होगा एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो जब प्लाज्मा जाता है ऊतकों के पास तो उसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी घुली हुई होती है, तो ये ऑक्सीजन जो आपकी फेफड़ों से कहा गई रक्त के द्वारा हर एक ऊतक तक पहुंची, तो दो तरीके से पहुंची है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो दो तरीके से दिखाया है, सबसे पहले श्वसन वर्णक के द्वारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन के द्वारा और दूसरा जो है वो प्लाज्मा के द्वारा। तो इन दो तरीकों से जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन होगा, पेपर में आप एज इट इज लिख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हम यहाँ पढ़ेंगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर उत्तर के पास ऑक्सीजन पहुंचने के बाद जो उत्सर्जित होगी बाहर वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तकों से रक्त के द्वारा वापस कहाँ पहुंचना है, फेफड़ों तक, और फेफड़ों से कहाँ निकल जाना है, शरीर से बाहर निकल जाना है। तो उत्तकों से फेफड़ों तक जब आएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड तो किस तरह से स्थानांतरित होगी, वो 3 तरीके से स्थानांतरित होगी। सबसे पहला तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 तरीके से होगा, कहां से, टिश्यू से या ऊतकों से कहां तक, फेफड़ों तक, और फेफड़ों से बाहर निष्कासित होगा शरीर से बाहर। तो सबसे पहला है बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में उसका लगभग 70% पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% जो भाग है वो फेफड़ों से रक्त के पास जो पहुंचता है वो किस रूप में पहुंचता है, सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में। तो फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में कहां, ऊतकों से कहां पहुंचती है, रक्त के पास, और वहां से फेफड़ों के पास पहुंचती है। उसके बाद दूसरा भाग यहाँ मैंने दिखाया है आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कितना, लगभग 23%, लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक आबंध बनाकर क्या बनाती है, कार्बामिना हीमोग्लोबिन बनाती है, और इसी रूप में क्या होती है, स्थानांतरित होती है या उसका परिवहन होता है। उसके बाद तीसरा आ जाइए आप कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का मतलब ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना, 7%, लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर वो क्या करेगी, जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, और कार्बोनिक अम्ल के रूप में परिवहन होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने आपको परिवहन दिखाया दोनों गैसेस का, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा का सारा, आपको डिफरेंस बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन सिर्फ 2 तरीके से, सबसे पहले विशाल है अगर जीव तो उसका शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी गैस को पहुंचाने के लिए अकेला विसरण काफी नहीं है, बल्कि वहां पर एक विशेष वर्णक उपस्थित होता है जिसे हम श्वसन वर्णक कहेंगे या रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं इसको हम, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अपने साथ ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, बड़ी आसानी से अपने साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कराएगा और क्या बनाएगा, एक कंपाउंड जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाएगा, और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, इसी के रूप में ऊतकों तक सप्लाई की जाएगी क्या, ऑक्सीजन, वहां से क्या उत्सर्जित होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दूसरा तरीका जो है वो क्या है, जो लगभग 3% के आसपास जो ऑक्सीजन होगी वो रुधिर प्लाज्मा के द्वारा स्थानांतरित होती है। सिर्फ 2 पार्ट यहाँ पे आपको लिखने हैं 97% हो गई हीमोग्लोबिन के थ्रू और 3% हो गई प्लाज्मा के थ्रू। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन पूरा हुआ, ऑक्सीजन पहुंच चुकी है ऊतकों तक,
अब उत्तकों ने क्या उत्सर्जित किया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरीके से जो है परिवहन करेगा। सबसे पहले बाइकार्बोनेट के रूप में, कितना? लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में स्थानांतरित होगा। उसके बाद है कार्बामिना हीमोग्लोबिन। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन हो रही थी हीमोग्लोबिन के साथ, वैसे ही 23% जो पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ट्रांसफर होगा किसके किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। हालांकि इतनी ज्यादा जो बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ होती है हीमोग्लोबिन की, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं होती है। तो 23% भाग होगा कार्बामिना हीमोग्लोबिन के रूप में, और जो बाकी बचा 7% पार्ट है वो जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देगा? कार्बोनिक अम्ल बना देगा। तो इस तरीके से आप जो है वो दोनों गैसेस का परिवहन दिखा सकते हैं। है ना इजी? बहुत इजी है, इन्हीं पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।